हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट पैचेस के बारे में। बच्चों में व्हाइट पैचेस क्यों होते हैं, उसका क्या रीजंस है और उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं विद सम होम रेमेडीज। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाइट पैचेस जो है बच्चों की स्किन में एक कॉमन रीजन हो जाता है, कॉमन चीज है जो हर ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला कॉज है कि क्या कारण है कह सकते हैं, पहला कारण है विटामिन डेफिशिएंसी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन फूड खिलाना इज अ बिग टॉपिक फॉर अस। जैसा हम सब जानते हैं, ज्यादातर बच्चे एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे होते, खाने ज्यादातर न्यूट्रिशन वाले जो फूड होते हैं उनको खाने में इतना ज्यादा उन लोगों का कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उनमें विटामिन की डेफिशिएंसी होने का, जिसमें अगर बच्चों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो वाइट पैचेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है बच्चों में की बर्थ मार्क बच्चों में कॉमन है, ज्यादातर बच्चों को बर्थ मार्क्स होते हैं। अगर वो जो वाइट पैच है वो उसके बर्थ मार्क बन जाता है, अगर आपको दिखता है कि वो वाइट पैच उसका बर्थ मार्क है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी, इट इज ओके, ठीक है। तीसरा रीजन है टीनेया वेसिकुलर एक कह सकते हैं डिजीज है, एक फंगस है जो बच्चों में कॉमनली हो ही जाता है। इसमें बच्चों की जो वाइट पैचेस हैं उसको उसमें ईचिंग बहुत होती है और वो क्या होता है कि वो रेड हो जाते हैं और उसमें से कभी कभी ऐसा हो सकता है ब्लड भी आ जाए। ये एक कह सकते हैं डिजीज है बच्चों में, ये एक डिजीज है जो कि बच्चों में एसिडिक फ्लेयर लाता है और ये दूर करने के लिए आपको अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले भी जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तीन हो गए। चौथा रीजन है विटिलिगो। विटिलिगो एक डिजीज है बट ये डिजीज इतना ज्यादा हार्मलेस नहीं है जितना सारे पेरेंट्स डर जाते हैं। हमें इस डिजीज के होने के बाद इतना डरने की जरूरत नहीं। विटिलिगो का मतलब है कि ऐसी एक बीमारी जो बच्चों में रंजकता की कमी की वजह से हो जाती है, रंजकता यानी कि वर्णक की कमी की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये डिजीज या बीमारी, ये कह सकते ऐसे वाइट पैचेस अगर बच्चों में होते हैं तो पेरेंट्स ज्यादा डर जाते हैं, कॉज क्योंकि ये ऐसा दिखता है, जो इसका दिखना है वो बहुत ज्यादा खराब दिखता है कह सकते हैं। बच्चों के फेस पे, बच्चों की बॉडी पे अगर ये हो जाता है, ज्यादातर शोल्डर्स पे बच्चों के पाया जाता है बट ऐसा नहीं है कि वो फेस पे नहीं होगा, फेस पे भी हो सकता है। ये दिखने में ज्यादा कह सकते हैं खराब दिखता है, इस वजह से ज्यादातर पेरेंट इस चीज के लिए स्केयर हो जाते हैं। बट इतना ज्यादा स्केयर होने की जरूरत नहीं है आपको। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम लोगों को ये फील होता है कि ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बट ये ठीक हो सकता है और इसके लिए इतना ज्यादा ये हार्मफुल नहीं होता है बच्चों को, ठीक है। पांचवा रीजन हो सकता है ऐसे स्पॉट्स जो इंजरी या बर्न्स की वजह से हो जाते हैं। मतलब अगर पुराने टाइम पे कभी पहले बच्चे को अगर चोट लग चुकी है तो वो उसका जो कह सकते हैं एक निशान बन जाता है, एक साइन बन जाता है, ये मार्क्स हो सकते हैं, ये बाद में व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं। इसके लिए भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छठा है वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन हम कहते हैं कि वर्म इन्फेक्शन बहुत ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि बच्चों में पेट के कीड़े हैं इसलिए व्हाइट पैचेस हो गए, बट ऐसा होता नहीं है। ये एक कह सकते लोगों का मानना है बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वर्म इन्फेक्शन का तो हम एक साइकिल होता है जो हम बार बार बच्चों में वर्म इन्फेक्शन हटवा सकते हैं। ये एक रीजन मेरे हिसाब से तो नहीं है कि बच्चों में ये व्हाइट पैचेस हो।
सो कॉजेस हमने जान लिए व्हाइट पेजेस के, अब जान लेते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो कि काफी इफेक्टिव है व्हाइट पेजेस को हटाने के लिए। होम रेमेडीज से पहले एक सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अच्छा चीज है जिससे बच्चों को व्हाइट पेजेस हटाया जा सकता है। और जो टिनिया वेसिकुलर है, ये एक्चुअल में जब बच्चे, ज्यादातर बच्चे जब सनशाइन या फिर धूप में आते हैं उस टाइम पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाया होगा तो इसके चांसेस घट जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज के बारे में। सो होम रेमेडीज में पहला है मेरा पपाया। दोस्तों पपाया एक बहुत अच्छा बेस माना जाता है टू क्योर व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन ऑफ बेबीज। ओके, व्हाइट पैच पपाया आप अपने बच्चे को 6 मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं खिलाने के लिए। उसको मैश करके खिला सकते हैं, थोड़े से दांत आ जाए तो उसको प्रॉपर ऐसे आप पकड़ा सकते हैं अच्छे से, जैसे आप चाहें वैसे आप अपने बच्चे को पपाया दे सकते हैं। पपाया एक बहुत अच्छा बेस है व्हाइट पैचेस हटाने के लिए। दूसरा है रेडिश शीट्स, मतलब मूली के बीज। मूली के बीज दोस्तों आप अपने बच्चे के जो व्हाइट पैचेस हैं या तो उसे खिला दीजिए या तो व्हाइट पैचेस पे पेस्ट बना के और उसे लगा दीजिए, काफी ज्यादा राहत हो जाएगी। तीसरा होम रेमेडी है कॉपर। कॉपर के बर्तन में पानी रख के बच्चों को पिलाने से व्हाइट पैचेस में बहुत ज्यादा अंतर देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा घटाव आ सकता है। चौथा होम रेमेडी है कैबेज जूस, मतलब कि पत्ते गोभी का जूस। पत्ते गोभी का आप भले या तो जूस पिला दीजिए बना के बच्चे को, या तो फिर आप अपने बच्चे को पत्ते गोभी को बॉईल करके और फिर खिला दीजिए, काफी उससे खिलाने से भी बहुत जल्दी इस चीज में आराम आ जाता है। पांचवा है जो कह सकते हैं हर चीज में एक बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है, वो है कोकोनट ऑयल। व्हाइट पैचेस पे कोकोनट ऑयल लगाने से बहुत ज्यादा बच्चों को राहत मिलती है और उन्हें बहुत जल्दी इस चीज से छुटकारा मिल जाता है। सो आज के कुछ ये इतने 5 होम रेमेडीज में लेके आई थी आप लोगों को बताने के लिए। सो अगर आपको ये जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।